ये ढंग से मैं जाके दर्शन कर भर के आ जाऊँ। एक आपकी एक्टिंग में भी देखते हैं मेथड है और आपके स्वभाव में भी एक है, और आप बहुत धीरे से, गंभीर से, और थोड़ा सोचते हैं कि अच्छा अब हम ऐसे करेंगे, बहुत सोच विचार के। लाइव आ गए हैं अब आप? अच्छा हाँ, देखिए सामने। ओ बाबा, आप लाइव? ये वादा था हम लाइव आएंगे। लाइव आएंगे, आप सामने अटल जी और 22 तारीख के प्रोग्राम, इन दोनों के बारे में हमारे प्रतीक आपसे चंद सवाल पूछेंगे। प्रतीक ज्यादा हावी रहते हैं। ना 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 मुझे मैं आपको चुनाव यात्रा में देखा था ना, मैं पहली बार देखा था किसी चुनाव की यात्रा पे, और मैंने ना रोक दिया, वो आगे नहीं बढ़ा उस वीडियो से, और पूरा देखा, और मेरे मन में आया कि ये आदमी अभिनेता रहा होगा थिएटर का। और जब आपसे मिला तो मैंने पूछा था ये बात। जी बिल्कुल, आपने पूछा था और मैंने कहा था कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के की दिल्ली नहीं छू पाया, बस वहीं से लौट आया। परफॉर्मिंग आर्ट आपके बदन में बहुत है। शुक्रिया, लेकिन वो जीवन में कुछ चीजें, जैसे मैं जी लेता हूँ, मैं जब शो करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं अब नौकरी जैसा काम नहीं करता। मैं खुल के बोलता हूँ, मैं नौकरी जैसा काम नहीं करता, जर्नलिस्ट हूँ, कलाकार अपना मार नहीं सकता, जर्नलिस्ट हूँ, पहली जिम्मेदारी है तो वो ऊपर रहती है। जर्नलिस्ट से सवाल पूछो। देखिए, इन्होंने तुरंत अपना पेशा समझाया। स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ आपको, अच्छा लग रहा है, लाइव है हमारे साथ, और अटल जी पे बात करनी है जी। क्या सोचा था पहले, जब करने से पहले इस रोल को करने से, क्योंकि बड़ा रोल था, सामने थे बहुत जल्दी, अभी सब लोगों ने देखा और यादें ताजा हैं उनकी, तो किस तरह से दिमाग में आया कि कैसे पोर्ट्रे करना है? क्योंकि आइडिया डायरेक्टर के पास भी होगा, प्रोड्यूसर ने जब फिल्म बनाई होगी तो सोचा होगा नहीं इन्हीं को लेना है, वरना तो फिल्म नहीं बनाएंगे। मुझे पहले चिंता हुई, डर लगा कि मैं न्याय कर पाऊंगा क्या। स्क्रिप्ट नहीं थी तब, ये बात सिर्फ तय थी कि फिल्म बनानी है अटल जी पे, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं थी, तो मैं बोला लिखिए, उतने व्यापक जीवन को 2 घंटे की कहानी में कैसे समेटेंगे। तो मैं बोला पहले लिख लीजिए और उसके बाद ही मैं हाँ करूंगा फिल्म, लेकिन लिख के स्क्रिप्ट तो सुनाइए, करना क्या है। तो पहले चिंता हुई, डर लगा, फिर मैंने इमिटेट करना, मिमिक करने का निर्णय कम कर दिया अमाउंट, कि उनके चेतना को, उनके विचारों को पकड़ना है, उस पर ज्यादा फोकस किए हैं, उनकी मन स्थिति क्या होंगे। तो क्योंकि जो आकार है वो चला जाता है, जो निराकार है वो मौजूद है, तो अटल जी का आकार गया है लेकिन उनके विचार और उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व मौजूद है। 12 तारीख को अटल सेतु उद्घाटन होगा बॉम्बे में जी, 20 किलोमीटर का वो सेतु। हाँ। तो व्यक्ति नहीं है लेकिन विचार और उसके मुझे एक समानता जो बहुत बड़ी दिखती है, और अमिताभ इसको ज्यादा विस्तार दे पाएंगे, इन्होंने कवरेज भी किया है 2 दशक तक, कि अटल जी राजनीति में फकीर और आप अब स्थिति में आ गए हैं जहां आप अभिनय के फकीर हैं, बॉलीवुड के फकीर हैं, और आपके अभिनय में भी वो साफ झलकता है। मैं अभी देख रहा था कड़क से, मैंने देखा, बहुत ध्यान से देखा, मैंने आपसे बात नहीं हुई थी उससे पहले, मैं कड़क को देख रहा था, वो श्रीवास्तव का जो किरदार आपने लिया है, तो बड़ा चेंजेस, बड़े उसमें लेयर्स हैं, बहुत लेयर्स हैं, बहुत लेयर्स, और वो फिल्म जो है पूरी लेयर्स के साथ है। लेकिन मैं लौटूंगा अभी अटल के बारे में ही। जी अमिताभ, का थोड़ा दिमाग में सवाल है। एक चीज बताओ मंगल भाई, कि अटल जी की बड़ी मिमिक्री हुई, बहुत बड़े बहुत। फिल्म स्टार्स ने भी की, टीवी में कई शोज चले, शेखर जी करते थे, शेखर जी करते थे, हर कोई आया, बड़ा आसान था मिमिक्री करना, लेकिन उस रोल में डूबना, क्या आपने उनके परिवार वालों से मुलाकात की, कैसे सीखा, कैसे आपने इस मैनरिज्म को, आप क्योंकि हमने ट्रेलर देखा है इसका, आप जो कर रहे हो ना, मैनरिज्म दुबले वाले अटल जी लग रहे हो, लेकिन मैनरिज्म तो थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब पे उनके जो वीडियो उपलब्ध हैं उनसे देख के सीखा, और लेखकों से मिला और जो हमारे लेखक लिख के मटेरियल दिए थे उससे किया, और बाकी तो स्क्रिप्ट जो दिया गया है रवि यादव जी का, जैसा गाइडेंस है, हम बतौर अभिनेता दिखते हैं, पर असली कैप्टन होता है डायरेक्टर, राइटर, टीम होती है, जो मेकअप मैन जो बनाते हैं हमें, तो उन सबका योगदान है, जो अच्छा होगा सबका, जो त्रुटियां होंगी वो मेरी।